प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में होने जा रही G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। संभव है कि इसमें मोदी और ट्रंप के बीच कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हो। 7 अमीर मुल्कों के इस समूह की बैठक में भारत विशेष आमंत्रित सदस्य है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और ट्रेड वॉर को लेकर बढ़ती चिंता के कारण भी आज दुनिया की नजर इस बैठक पर है। अटलांटिक महासागर तट के सुरम्य शहर बियारिज में जब एक मंच पर आएंगे तो दुनिया ट्रेड वॉर पर सकारात्मक नतीजों की उम्मीद करेगी, क्योंकि इसका असर वैश्विक है। G7 में फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, अमेरिका, कनाडा और जापान शामिल हैं। ये मुद्दे रहेंगे खास। विकसित देशों के समूह के सालाना बैठक में अमेजन के जंगलों में लगी आग, ब्रेक्सिट के डेडलॉक को खत्म करने और व्यापार तनाव में कमी लाने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के आधिकारिक शुरुआत से कुछ घंटे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने टेलीविजन पर जनता को संबोधित करते हुए जोर दिया कि अमेजन के जंगलों में लगी आग एजेंडे में सबसे ऊपर है, और उन्होंने दावा किया कि हमारे घर जलाए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, जलवायु और जैव विविधता G7 का दिल है। अमेजन में जलाए जा रहे जंगल और समुद्र हमें पुकार रहे हैं, हमें उन्हें ठोस जवाब देना होगा। इन विषयों पर खाली बातचीत का वक्त नहीं है, बल्कि कुछ ठोस काम करना होगा। होगी मोदी और ट्रंप की मुलाकात। G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रस्तावित है। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत बार बार जोर देकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कह चुका है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इसे दोनों पक्षों के बीच ही सुलझाया जाएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को भारत ने आंतरिक मुद्दा करार दिया है। पाकिस्तान को भी भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो यथास्थिति को स्वीकार कर लेगा।